गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सिविक्स एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक इज 24th प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी। दिस इज़ द चैप्टर विच वी रीड इन दिस वीडियो। ओके, सो दीज आर द थ्री टॉपिक्स, प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन and inequalities. So shall we start with the discrimination and prejudice. Discrimination means होता है कि भेदभाव करना किसी के बीच में भी, जैसे भेदभाव भी कई तरीके के होते हैं, on the basis of their skin, मतलब उनके skin का रंग कैसा है, skin color, race, मतलब वो किस उनका मूल जाति क्या है, caste क्या है, उनकी language क्या है, रिलीजन क्या है और जेंडर क्या है। मतलब जेंडर के हिसाब से भी कई सारे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसे सपोज दैट अरे ये तो लड़की है ये क्या कर पाएगी, तो वी कैन से दैट कि दिस इज़ कॉल्ड अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट इज अरे तुम उस कास्ट के हो या उस कास्ट के हो, तो ये क्या है और ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज रेसिस, अरे यार ये तो मोगलाइट्स है, ये द्रविडंस है, या ये आर्यंस हैं, या फिर ये निग्रोज हैं, तो मींस कि बेसिस ऑफ देयर रेसिस, उनकी रेस क्या है, उनकी मूल जाति क्या है, तो उसके हिसाब से भी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा रेसिस। ठीक है, बात करते अरे ये तो बिहारी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, ये तो बिहारी है यार, नहीं यार ठीक है ओके, तो ये लैंग्वेज बेसिस पे उसको हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, अरे ये बिहारी बोलता तो ये बिहारी मतलब भोजपुरी बोलता बिहारी है, या मैथिली बोल रहा मतलब बिहारी है, या कन्नड़ बोल रहा तो कर्नाटका का है, तो ये हमने डिस्क्रिमिनेट कर लिया कि ये उस तरीके से है। ठीक है, ये भाषा जो है विकार है, इसे हटाओ यहाँ से, ये बोलने वाली नहीं, मतलब ये होता है उसके ऊपर। स्किन कलर, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बहुत ही अधिक गोरा है, कोई कलर्ड में आ जाता है, तो इनको भी ऑन द बेसिस ऑफ कालों को पहले हमने देखा जाए तो, अगर अफ्रीका में क्या हुआ था कि कालों के और गोरों के बीच में काफ़ी मतभेद थे, कालों को जो है नीच मतलब शेड्यूल टाइप में समझा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये चीज़ें सारी क्या हैं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग सच डिस्टिंक्शन एंड द ट्रीटिंग अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेयर देन द अदर इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि ये चीज़ जो हो गई आपकी, ये दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि हमें कहीं से भी किसी को जो अलग दिखता है और उसे उसको हम लेस फेयरली, मतलब उसे हम बिल्कुल अलग से ट्रीट करते हैं, अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, उनको इन्फीरियर टच कर ट्रीट करते हैं, मतलब कि ऐसा कि जो ये लोग इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये इनका ये ऐसे ही आए और इनको हमें कोई मतलब नहीं देना है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अलग करना किसी चीज़ को, अलग अलग दिखाना कि हाँ ये हिंदी बोलता है तो ये हिंदी भाषी हो गया, ये अंग्रेजी बोलता तो अंग्रेजी भाषी है, मतलब दे ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश तो ही इज़ इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर, एंड ही इज़ हिंदी स्पीकिंग तो ही इज़ हिंदी स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज स्पीकर। सो इट डजेंट मीन इट इज़ डिफरेंस बिटवीन द ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एंड वी कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वी कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज़ द डिस्क्रिमिनेशन। अब बात करते हैं व्हाट इज़ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या होता है, लोग जो है किसी पर्सन के बारे में एक विदाउट मच थॉट द और नॉलेज, मतलब किसी के बारे में एक अलग से नज़रिया बना लेना जिसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उनके बारे में हाँ यार ये ऐसे हो सकते हैं, ठीक है ये ऐसे हैं, जैसे एक धारणा बन गई, धारणा कह सकते हैं, प्रेजुडिस को हम एक धारणा कह सकते हैं कि जैसे कह सकते हैं कि मतलब जो आतंकवादी जो होते हैं वो इस्लामिक ही होते हैं मोस्टली, ठीक है, तो एक धारणा बन गई हाँ यार इस्लाम धर्म जो है वो आतंकवाद पैदा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई व्यक्ति जो इस्लाम को फॉलो करने वाला है वो ऑल आर दे आर टेररिस्ट, नो दैट इज़ इनकरेक्ट, बट लोगों के अंदर एक धारणा बनी, एक प्रेजुडिस बनी हुई कि हाँ यार नहीं यार वो ये होते ही ऐसे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। यही चीज़ जो है वो आगे चलकर डिसहार्मनी, मतलब एक हमारे क्या एकता में
जो हमारी एकता जो है उसको, जो अखंडता है उसको जो हार्म पहुंचाते हैं कि अरे यार हम सब मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई क्या है सारे भाई हैं सब लोग और एक दूसरे से हम लोग मानते जुड़ते हैं। तो क्या है कि अगर हम इस तरीके से एक दूसरे से व्यवहार करेंगे, वी आर ट्रीटिंग एज लाइक अ टेररिस्ट ऑफ इस्लामिक पर्सन्स, तो दैट इज़ नॉट अ गुड, दैट इज़ हार्म फॉर आर हारमनी, फॉर आर यूनिटी ऑल्सो। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, तो ये चीज़ बेकार है और ये हमारी डाइवर्सिटी के लिए एक तरीके से कह सकते हैं शर्म वाली बात है। ठीक है, तो इसको हमें लोगों को समझाना चाहिए, उनको फॉर्म वी आर मेक अंडरस्टैंड कि आप इन सब से ऊपर निकल के आइए। जैसे पहले हम लोग जो बात करते थे वो मोस्टली कास्टिज्म की बात करते थे, अगर हम आज भी अपने गांव पहुंच जाते हैं तो जो लो कास्ट वाले जो लोग हैं वो आज भी ज़मीन से नीचे बैठते हैं, हमारे साथ बराबर नहीं बैठ सकते। तो दिस इज़ द वे टू वी कैन अवॉलिश दिस थिंग्स, अगर हम इन सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे तभी जाकर हम अपने देश को डेवलप कर पाएंगे और हमारी यूनिटी और हारमोनी बनी रहेगी, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश को ख़त्म कर देंगी। अब बात करते हैं क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब था रूढ़ीवादी, मतलब रूढ़ीवादी मतलब होता है कि अरे चीज ठीक है, एक चीज़ की धारणा बनना ली है कि हाँ ये चीज़ है तो हम उसी को ही फॉलो करेंगे, हम उसमें चेंजेस नहीं ला के आएंगे, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है रूढ़ीवादी, स्टीरियोटाइप बोला जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या है कि अरे यार ठीक है तुम छोड़ो यार, तो ऐसे लोगों को भी समझाना, समझाओ उनको, कम्युनिटीज़ बताओ कि नहीं ये इस तरीके से नहीं, ऐसे हो सकता है, ये इसको नहीं ऐसे कर सकते हैं, ये आप जो है वो पुराने रीति रिवाज छोड़ दो, वो सब पुराने हो चुके हैं, आज अगर हम समय के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो हम पिछड़ते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, इफ़ वी आर नॉट चेंजिंग आर सेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम वी आर गोइंग टू बैक अ बैक अ बैक। ठीक है, हम लोग पिछड़ते पीछे 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 होते चले जाएंगे और हमसे जो लोग जो आज अपने आप में चेंज लेके आ जाएंगे दे आर गोइंग टू फॉरवर्ड, वो हमसे आगे निकलते जाएंगे। सो वाई शुड, अगर हमको अपना डेवलपमेंट करना है तो हमें अपने अंदर चेंजेस लेके आने चाहिए और चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए इस चीज़ को। और ये भी क्या है, इस तरीके से ये जो है वो हमारे देश के लिए या हमारे हार्मनी के लिए, हमारे यूनिटी के लिए भी एक तरीके से क्या है, अनफेयर है, मतलब ये हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब ये इस तरीके की चीज़ें जो है हमारे देश को हार्म पहुंचाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो यू मे हैव नोटिस दैट वी ऑफन लेबल पीपल अकॉर्डिंग टू देयर बुक looks, complex, cloth, language, when they make assumptions about their groups of the people and leads to the creating a stereotype, they believes, we then begin to believe that all the peoples belonging to the group are exhibit this kind of behavior or are of the same type. They stop treating people as individual or treating them इन एन अनफेयर मैनर। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने यहाँ पे जैसे जैसे एक जगह रह रहे हैं जहाँ पे लोग बाग और वो अपने ही तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो एक तरीका बना देते हैं, हाँ यही तरीका फॉलो करना, हमें इस तरीके को अब चेंज ही नहीं करना है। अगर वो अलग वही कोई अगर व्यक्ति अलग कोई काम करने लगता है, वो सोचते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये अनफेयर है, तो इसको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यू हैव टू बी, एवरी ग्रुप हैज़ इट ओन सिस्टम ऑफ वैल्यूज एंड प्रैक्टिस। सबके ग्रुप के अपने वैल्यूज़ हैं, अपने प्रैक्टिस हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर एंड रिस्पेक्ट दैम। तो हमें उनकी सबकी अपनी वो करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके बिहेवियर को भी। वी शुड हेल्प सेट अप द एटीट्यूड्स विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर। और किसी को भी ऐसा सो नहीं करना चाहिए कि हम यार इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या ये चीज़ है वो चीज़ है, सारी चीज़ें ये हमारे लिए अलग है और हम इनको नहीं मानते हैं। जो व्यक्ति अपने आप कर रहा है ठीक है, हमें रूढ़ीवादी नहीं, हमें जो करना है हम करेंगे, आपको जो करना करिए। सो हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए और हमें अपने समय के हिसाब से चेंज होते भी रहना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़
देखो इनक्वलिटीज़ मैंने आपको बताया तो बहुत तरीके से होती है, रेस की तरी रेसेस भी हो सकती है आपकी इनक्वलिटीज़ में। अब जेंडर इनक्वलिटीज़ में जैसे फीमेल एंड मेल है, ठीक है, रीज़न है, अरे उस रीज़न के लोग बहुत, जैसे बिहारियों को हम लोग इन्फीरियर ट्रीट करते हैं, बिहार से जो भी लोग होते हैं, ठीक है, उनको इन्फीरियर ट्रीट करते हैं, नहीं यार ये तो बिहारी तो कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि क्यों कर लेंगे, क्योंकि उनका प्रदेश गरीब है, उनके प्रदेश में गरीबी ज़्यादा है, इस वजह से हम उनको थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, यार नहीं यार चलो ठीक है, वो अगर हम उनको 2,000 में भी काम करेंगे तो वो दे आर रेडी टू वर्क बिकॉज दे वॉन्ट वर्क बिकॉज दे डोंट हैव अ सफिशियंट मनी टू ईट देयर चिल्ड्रन देयर फैमिली, दैट्स वाई दे आर वर्किंग ऑन लो वेजेस। ओके, उनको बिहार में इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता जिसकी वजह से वो पूरे देश में, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मोस्टली जो वर्कर्स हैं दे आर फ्रॉम बिहार एंड यूपी ऑल्सो, ठीक है, तो दे आर कम फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बाई बाई फुट, बाई बाइसाइकिल, बाई देयर ओन व्हीकल्स सच लाइक अ बाइक, मोटर बाइक और साइकिल्स, ठीक है, तो उसके तो क्या ही है, तो हम लोग इन्फीरियर टच करते हैं, तो ऐसे ही जेंडर वे स्टेट के हिसाब से रिलीजन हो गया, रीजन हो गया, रिलीजन हम अपने मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई के हिसाब से, वो देश में चाइनीज में पारसीज इसके बेसिस पे हम उनको करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेट क्रिएट द कंडीशंस वेयर पीपल आर डिनाइड द राइट टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो एक डिनाई कर देते हैं कि जो एक अच्छी चीज़ है उसको लेने के लिए, ठीक है, द पीपल आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, ठीक है, और वेल्थ के हिसाब से मैंने आपको बताया था इकोनॉमी की बेसिस पे भी वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, फूड और शेल्टर उनको मिलता नहीं है खाने के लिए, तो उनके कपड़े नहीं होते तो वो उनका फेस जो होता है वो ऑटोमेटिकली अच्छा ये तो गरीब होगा, आप उनके एक कपड़े एक व्यक्ति के कपड़े से पहनावे से आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति गरीब है या रईस है, तो आप बता दो इकोनॉमिकली या ये जो है वो गरीब है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया आपने, ठीक है, तो इस तरीके से, और जो गरीब होता है उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ट्रीटेड बैडली, उनको बैडली ट्रीट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, सेम रिलीजन ग्रुप्स में भी होता है, सर्टेन रिलीजन्स एंड ट्राइबल्स एक्सपीरियंस द बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, हम लोग उनको भी करते हैं, वो बैकवर्ड होते हैं तो उनको हम अरे पीछे बैठो हटो यहाँ से ये वो, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड फॉर दोज पीपल हु आर बिलोंग्स टू सम ट्राइब्स और अ रिलीजन और अ कास्ट बिकॉज दे ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, सो वी कॉन्ट ट्रीट इट एज अ इनह्यूमन, ठीक है, हम उनको इनह्यूमनली उनको हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पीस को, जो हमारे हमारे देश में जो शांति है उसको और हमारे कंट्री की प्रोग्रेस को भी हार्म पहुँचाते हैं, या दे आर क्रिएट अ हर्डल्स बिटवीन आर प्रोग्रेस, बिटवीन आर कंट्रीज प्रोग्रेस, वी कैन से दैट, ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। मल्टीपल आइडेंटिटीज़ अगर बात करें तो हम इसमें क्या है कि द प्रेजुडिस एंड द स्टीरियोटाइप्स अनलिमिटेड अल्टीमेटली हैव एन इफेक्ट ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, दे पोज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स बिकॉज पीपल लुक एट अदर्स एंड थिंक दैट दे पजेस ओनली वन आइडेंटिटी, मतलब कि प्रेजुडिस जो हैं स्टीरियोटाइप्स हैं वो उनको क्या है कि ये भी हमारे क्या हैं अनलिमिटेड इफेक्ट्स होते हैं इनके हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे, ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो लुक एट करते हैं, बट ये सारी चीज़ें क्या है, ये दूसरे के, मतलब मैंने आपको बताया था प्रेजुडिस जो है एक तरीके से एक गलत धारणा धारण कर लेना कि हाँ नहीं ये चीज़ होती है, रूढ़िवादी क्या कि हमें वो धारणा चेंज करनी नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं कि ये हमारे देश के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ये कई सारी चीज़ें हमारे साथ लेके जाती है, जैसे ऑल वी ऑल पजेस मल्टीपल आइडेंटिटीज़ एंड देयर फॉर शुड बी जज्ड अकॉर्डिंगली, अगर हमारे अंदर कई सारी क्वालिटीज़ हैं तो हम उनके द्वारा जज किया जाए ना कि वो सेम क्वालिटी जो उन्होंने धारणा बना रखी है उसके द्वारा, ना इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, आवर आइडेंटिटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेव्ड एंड मैनी फैक्टर्स, हमारी आइडेंटिटी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे मैनी फैक्टर्स से, सच एज मैंने आपको बताया कि अगर हमारा कोई हमारी लैंग्वेज है, हमारी स्कूलिंग है, हमारी लाइफ है, हमारे क्लासमेट्स हैं, गुड सिंगर है, एक्टिविटी अच्छी है, तो कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा पढ़ लेता है, कोई अच्छा दौड़ लेता है, कोई अच्छी कुश्ती कर लेता है, तो ये उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसके अकॉर्डिंग दे आर इंटरेक्ट, उनको
समझाया जाता है, उनको पहचाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि कास्ट हमारा जो देश, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो समाज जो है देश में, जो है हमारा समाज जो है, जो सोशल सोसाइटी जो है, उसको दे आर कैटेगराइज टू फोर पार्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, तो उसमें बाकी तीन कैटेगरी तो सही है, बाकी तीसरी जो फोर्थ कैटेगरी बचती है शूद्र। शूद्र में क्या होता है कि उसमें जो ऐसे लोग जो होते हैं वो तो या तो देखो दे आर सपोज हाई कास्ट बॉर्न एंड उनको फंक्शन कुछ भी कर सकते हैं, बट द मेंबर ऑफ फोर्थ कास्ट वर पुअर, ये जो लोग वो गरीब होते हैं और इनको जो टास्क मिलता है उसके कम पैसे दिए जाते हैं या नहीं भी दिए जाते हैं, और जो अदर थ्री कास्ट होती हैं वो, ठीक है, और ये क्या करते हैं अपनी कास्ट, अपने जो काम होता है उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और तो और इनको वो चीज़ के लिए दलित और जो लो कास्ट होती है उनको हमने आपको बताया दलित बोला गया था। एक बात, एक और थोड़ी सी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, 1932 में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने एक सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड दे दिया था SC और ST को। ठीक है, तो इसी में 1932 में तो क्या हुआ था, गांधी जी जो थे वो धरने में बैठ गए, उन्होंने कहा कि नहीं अंबेडकर साहब ये ऐसा नहीं हो सकता है। उस टाइम अंबेडकर जी जो थे वो लड़ रहे थे क्योंकि उस टाइम दलितों को काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, बैडली ट्रीट किया जाता था, तो उनके खिलाफ उन्होंने एक अपनी वॉइस को रेज किया था, अपनी आवाज़ को उठाया था कि अब हम सब लोग नहीं, मतलब कुछ भी नहीं सहेंगे और हम एक अच्छे तरीके से लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों को मैंने आपको बताया था पॉलिसी एक होती है कि वो जो है डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने क्या किया डिवाइड करो रूल करो। अब हिंदू को उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था कि कास्ट बेसिस पे, तो उनका SC ST बना दिया, उन्होंने कहा ठीक है सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड दे देते हैं, जिससे कि कोई भी SC कैंडिडेट खड़ा होगा उसी को वोट देना तुमको और वो जीत के आपका विधानसभा में जाएगा। तो इस तरीके से तो उन्होंने फिर वो धरने पर बैठ गया। तो उन्होंने क्या किया था कि तब अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, पैक्ट मतलब समझौता हुआ था, उस समझौते को बोला था पूना पैक्ट बोला गया था, और उस समझौते में ये होता कि आप अपना जो ये मांग जो वापस ले लो और हम सब हिंदू भाई एक साथ रहेंगे। तभी उन्होंने दलितों को एक नाम दिया था हरिजन। हरिजन मतलब होता है हरि, मैंने आपको बताया था भगवान का नाम होता है, और जन मतलब लोग, तो हरिजन मतलब हो गया हरि भगवान के लोग, तो उन्होंने ये नाम दिया था हरिजन। ठीक है, तो हरिजन तो क्योंकि साफ़ सफाई वही करते थे, साफ सफाई भगवान कहाँ आते हैं, जहाँ पे साफ़ सफाई हो, और साफ सफाई कौन करता है, वो लोग करते थे, तो उन्हीं को बोला था कि जो भगवान को लाने वाले वही हैं जो साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है, तो उसको, और जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो उन्होंने उन अनटचेबल को ख़त्म कर दिया, और उनको डिग्रेडिंग मतलब उनको बहुत ही दे हैड टू वर्क इन ह्यूमन और डिग्रेडिंग कंडीशन, मतलब उनको उनका मानवीयता नहीं आती थी और उनको इन ह्यूमन वर्क दिए जाते थे, डिग्रेड मतलब सड़े बुले काम दिए जाते, जैसे किसी का जानवर मर गया तो वो जानवर उठा के फेंक किया हो, और लोगों के घरों में जाके उनके वॉशरूम्स को क्लीन करना, ये सारी चीज़ें उनको काम दिए जाते थे। तो इस तरीके से इनको किया जाता था। ठीक है, और टुडेज वी नोन एज अ शेड्यूल कास्ट, और ऐसे जो कास्ट हैं उनको हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। ठीक है, जो आते हैं शेड्यूल कास्ट में। ठीक है, तो ऐसे कास्ट को क्या बोला गया, शेड्यूल कास्ट बोला गया है। मैंने अभी आपको बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, ही वॉज, अगर हम बात करें तो ये हमारे देश के पहले कानून मंत्री रहे हैं, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अंबेडकर जी थे, ही वॉज राइटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा है, इन्होंने इसमें हमें सब गारंटेड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमको हमारे राइट्स मिले हुए हैं, कोई हमको जो लोग इल ट्रीटेड जो व्यक्ति थे, जो अनटचेबल थे, उनको एक अधिकार दिया कि कोई आपको जो है इल ट्रीट नहीं करेगा, आपको कोई भी अनटचेबल नहीं बोलेगा, और आपसे ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करा सकता। इस तरीके से ये सारी चीज़ें उन इस कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू उनको थोड़ा सा उठने का मौका दिया गया। ठीक है, उन्होंने सब ये जो प्रिजुडिस थे और जो रूढ़िवादी थे, स्टेरियोटाइप्स थे, उनके खिलाफ़ भी लड़े वो उन्होंने। ठीक है, और जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपने ड्राफ्टिंग कमेटी में वो चुने गए, और उन्होंने
कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। तो ये थी, और उन्होंने कई सारे उन्होंने हमेशा जो एससी जो शेड्यूल ट्राइब्स जो दलित लोग जो थे उनकी तरफ से आवाज़ उठाई, और उनको भी उनको भी एक जीने का एक लाइफ का तरीका बताया। अम्बेडकर साहब का जन्म जो है वो आपको पता ही है 1981 में हुआ था और 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर नाम डॉक्टर अम्बेडकर हिमसेल्फ बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, और ये पुअर फैमिली थे, लो कॉस्ट फैमिली के थे, ठीक है, ये अनटचेबल्स में आते थे। इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सफ़र्ड की थी, जैसे अभी आप एक सीरियल आ रहा है हमारे टीवी पे डॉक्टर बाबा राव अम्बेडकर का आ रहा है, भीमराव अम्बेडकर जी का आ रहा है, तो उसमें उनकी जो छोटे की बचपन की जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं उसमें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उन्होंने हर्ट करती थी, तो इसी को लेकर उन्होंने वॉइस रेज की थी अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और बाद में उन्होंने जाके 1947 में एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ड्राफ्ट किया, और आज उनको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडियंस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सारे इंडियंस को इक्वलिटी प्रोवाइड की है, मतलब इन द आई ऑफ लॉ की नज़र में, ठीक है। प्रीएम्बल जो है वो हमारे इंट्रोडक्शन है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे ऑब्जेक्टिव्स बताता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इक्वलिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, ये सारी चीज़ें, इक्वलिटी आपको पता ही है, जस्टिस आपको पता ही, न्याय है, इक्वलिटी मतलब समानता, लिबर्टी मतलब आज़ादी, फ्रेटर्निटी मतलब कुछ भी घूमने फिरने की, ठीक है। मोर फंडामेंटल राइट्स हमको गारंटेड मिले हुए हैं, जो अनटचेबिलिटी को एबोलिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है हर चीज़ को, चाहे वो हमारे कास्ट से हो, कलर से हो, रिलीजन से हो, लैंग्वेज से हो, रीजन से हो, कहीं से भी कुछ भी हो, तो वो हम उससे क्या करते हैं कि ये हमको ख़त्म करता है सारी चीज़ डिस्क्रिमिनेशंस को। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका एम क्या है, एम टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका फुल ड्रीम जो है वो फुलफिल रहे, हमारा देश एकता में हमेशा बना रहे, डाइवर्सिटी रहे, सब धर्म मानने की ठीक कोई बात नहीं है, बट डाइवर्सिटी होते हुए भी हम लोग एक हैं, ये चीज़ हमारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ये सपना देखा था कि हमारा देश जो है वो विविधता में एकता रहे, ऐसा देश हमारा होना चाहिए, तो उनके वो सपने को पूरा करने के लिए इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होती भी आ रही हैं, तो क्या है कि अगर डाइवर्सिटी रहेगी और डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा तो हमारे देश में पीसफुल एक पाथ बनेगा और हमारा देश जो है वो डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ योर सेकेंड सिविक्स इज नाउ फिनिश्ड, सो we will meet you in the next chapter. The third chapter is your civics. Okay, so now I'm going to finish and thank you and have a nice day.